जहां पर छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने जगह जगह पर चेक पॉइंट बनाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चोरी छुपे ये कारोबार लगातार देखने को मिल रहे हैं। वहीं बता दें कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आकर अवैध कारोबार को आरोपी अंजाम भी दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सरायपाली के बलौदा क्षेत्र में सामने आया है, जहां बीती रात एक पिकअप वाहन में उड़ीसा से कृषि दवाइयां और मानव जीवन से संबंधित दवाइयां भारी मात्रा में लाकर बेचने की जानकारी मिलने पर कृषि व्यापारी और कृषि विभाग के अधिकारी ने मिलकर उक्त वाहन को बालोदा चेक पोस्ट के पास से पकड़ा है, जिसमें भारी तादाद में कृषि और मानव जीवन से संबंधित दवाइयां भरी हुई मिली थी। अधिकारियों को देखकर एक व्यक्ति मौके से भागने की कोशिश में था और वो सफल भी हो गया, तो वहीं अन्य दो व्यक्तियों ने उड़ीसा से उक्त दवाइयों को लाकर बेचने की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन उनके पास से किसी भी प्रकार के दस्तावेज और लाइसेंस नहीं मिले हैं, जिसके बाद कृषि विभाग ने अधिकारियों ने कृषि दवाइयों को जब्त करते हुए जानकारी अपने उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को देकर उनसे मार्गदर्शन मांगा है। हाँ, उड़ीसा से आई थी गाड़ी बिना लाइसेंस के और बिना कागजात के आई थी और उनको पकड़े हैं अपने पीछे घर वाले। कौन कौन सी दवाइयाँ थी उसमें सर? इसमें सर ये थी मैक्रोनिटाइन खाद, ये सब थी। कृषि विभाग की दवाइयाँ ही थी या कि मानव जीवन से संबंधित भी थी? मानव जीवन से संबंधित दवाई भी थी। तो इसमें किस तरह की कार्रवाई आप लोग के द्वारा की जा रही है? हमारे द्वारा उनको नोटिस दिया गया है, किस दिन के लिए उसको सील किया गया है।